अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएस ऑफिस का पोर्टफोलियो किस तरह समझाया जाता है। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करके चले जाएं। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, एमएस ऑफिस के पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और किस तरह से एमएस ऑफिस का पोर्टफोलियो बनाया जाए और इस तरह से बनाया जाए कि उसको आप उसके थ्रू आप क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकें, क्लाइंट्स आपको हायर कर लें, क्लाइंट्स कन्विंस हो जाएं और आपको प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर कर दें। तो सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। कुछ लोग को पोर्टफोलियो का नहीं पता होता, लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो इज योर सैम्पल वर्क, आपने कोई भी काम किया होता है वो आपका पोर्टफोलियो है। एक्चुअली पे पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो आपने क्लाइंट्स के लिए काम किया होता है, आपने चाहे आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किया है, चाहे आपने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर किया है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, आपका सैम्पल वर्क होता है, वो आपने क्लाइंट्स पर जो काम किया होता है, जिनके लिए काम किया होता है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो हमारा काम वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। यानी कि ये नहीं कि अगर मैंने कोई फाइल बनाई है किसी भी क्लाइंट के लिए, उसका कोई काम किया है और मैं उसको अपने पास से डिलीट कर दूँ क्योंकि मैंने जो जिस भी पर्पज़ के लिए वो बनाई थी वो पर्पज़ मेरा फुलफिल हो गया, मैंने उसको प्रोवाइड कर दी, मुझे अर्निंग आ गई और मैं उस फाइल को डिलीट कर दूँ। आपने उस फाइल को अपने पास ही रखना है, वो आपके वर्क की हिस्ट्री होती है, वो आपका सैम्पल होता है वर्क का, आपने जो है वो इन क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है। और फिर वो चीज़ें जो है वो अगर आप एक्यूमुलेट करते जाएं कि आप जो भी काम करते जाएं वो आपका बन जाता है पोर्टफोलियो। जिन जिन क्लाइंट्स के लिए आपने काम किया और उस काम को आप अपने पास सेव रखते जाएं तो उसका जो है वो होता है आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, आपके वर्क की हिस्ट्री, या आपने क्या क्या किया है और किस किस क्लाइंट के लिए किया है, आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं उसमें, तो वो होता है आपका सारा पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो तो बस एक ही सूरत में बन सकता है कि आपने जो है वो काम किया हो किसी न किसी क्लाइंट के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो इज योर वर्क कि आपने जिन भी क्लाइंट्स के लिए काम किया होता है वो होता है आपका पोर्टफोलियो। लेकिन अगर ये आपकी फर्स्ट जॉब है, आप एज बिगनर काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अच्छा, अगर आप जो है वो फ्रीलांस, इसमें ना बिगनर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर बिगनर है और एक वो जो कि अपनी फील्ड के अंदर बिगनर है, यानी कि उन्होंने पहले कभी काम किया ही नहीं है, ना प्रैक्टिकली किया है, ना फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर किया है, ना कोई एज ए फिजिकल जॉब में किया है और वो जो है उनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो सेलर्स होते हैं वो भी अपना पोर्टफोलियो इजीली बना सकते हैं और वो भी अपना पोर्टफोलियो इफेक्टिव बना सकते हैं। इफेक्टिव यानी कि आपके क्लाइंट्स को ग्रैब करने वाला पोर्टफोलियो। अब अगर तो आप जो है वो पहले फिजिकल वर्क कर चुके हैं, जिस तरह से अगर हम एमएस ऑफिस की फील्ड की बात करें तो आपने अपने ऑफिस के अंदर काम किया हुआ है या आपने जो है वो इस तरह की कोई भी फिजिकल जॉब की हुई है एमएस ऑफिस से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, कि आप एमएस वर्ड के ऊपर काम करते हैं ना कंटेंट राइटिंग में, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर आप न्यू हैं और उस पर जो है ना आपने स्टार्टिंग में अभी काम करना स्टार्ट करना है, बिगनर है वहाँ पर, और पहले जो है वो आप फिजिकल काम करते रहे, तो आपने जो भी फिजिकल वर्क किया है, जहाँ भी आप जाते थे, जो भी जॉब करते थे, वहाँ पर जो भी काम किया है उसकी कुछ जो आपके इफेक्टिव सैम्पल्स हैं वो बन जाएगा आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आपका पोर्टफोलियो होगा। और अगर आप जो है वो बिल्कुल बिगनर है, आपने ना तो कोई फिजिकल जॉब में काम किया है और ना ही आपने कोई इसी वेबसाइट पर काम किया है, तब क्या होगा कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद क्रिएट करेंगे, यानी कि आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे। आप रिक्वायरमेंट्स कहाँ से लें, जैसे कि अब अगर मैंने जो है वो गिग बनानी है अपनी एमएस वर्ड की, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि एमएस वर्ड की जितनी भी स्किल्स मुझे आती हैं मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी, एक नीट सा प्यारा सा इफेक्टिव सा डॉक्यूमेंट जिसमें जो जो मुझे आता है वो सब कुछ मैं एक इफेक्टिवली उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगी और वो बन जाएगा मेरा एमएस वर्ड का पोर्टफोलियो। इसी तरह अगर मुझे एक्सेल का काम करना हो और एक्सेल में मुझे जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं डाल दूंगी एक शीट बनाकर एक्सेल की, ठीक है, उसके अंदर जो है वो मैंने डाल देना है सब कुछ। और मैं चाहूँ तो मतलब अगर डिपेंड करता है ना कितनी स्किल्स आती हैं, अगर आपको कोई फार्मूला लगाना आता है तो आप फार्मूला की फाइल बना सकते हैं जिसमें आपके फार्मूलाज लगाए हों, पिवट लगाना आता है तो पिवट टेबल की एक फाइल बना लें, वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, पिवट चार्ट की बना लें एक इफेक्टिव सी फाइल, वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करती जाएंगी। अगर आपने जॉब की हुई है तो आप अपना वो वर्क लगा सकते हैं, अगर नहीं की हुई तो फिर आपको अपना पोर्टफोलियो, अपना सैम्पल वर्क इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर आके सर्च करते हैं ना एमएस वर्ड का, तो ये मैंने यहाँ पर फाइवर ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर आकर एमएस वर्ड अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर अभी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, 5900 प्लस रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, ये मेरे पास सारी यहाँ पर गिग्स आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर किसी की भी गिग को ओपन करते हैं ना, जैसे मैंने इसकी ओपन की है, तो अब ये जो मेरे पास ऊपर वेबसाइट्स आ रही थी ना, ऊपर जो ये मेरे पास यहाँ पे अभी गिग्स आ रही थी वेबसाइट के ऊपर, ये मैं टिप्स थी जो टॉप रैंकिंग सेलर्स हैं उनके गिग्स यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इनमें से एक सेलर को ओपन किया है जिसकी टॉप रैंकिंग गिग आ रही थी। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इसने यहाँ पे क्या इंक्लूड किया हुआ है अपनी पिक्चर्स में, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स और वीडियोज इंक्लूड करते हैं ना, तो पिक्चर्स में देखें इसने जो है वो अपने वर्क ही को डाला हुआ है। जो इसने वर्क किया हुआ है, ठीक है, बजाय इसके कि वो ये डाले कि मुझे ये स्किल्स आती हैं, मुझे वो स्किल्स आती हैं। मतलब ज्यादातर लोग तो हम यही देखते हैं ना कि वो डालते हैं, अब यहाँ पर पिक्चर्स में अपना काम डालने के बजाय वो क्या डाल रहे होते हैं, अपना स्किल्स डाल रहे होते हैं कि मुझे एमएस वर्ड से कैनवा के ऊपर बना के, ठीक है, कि मुझे एमएस वर्ड से रिलेटेड ये आता है, एमएस एक्सेल से रिलेटेड ये आता है। वैसे जो है रिकमेंडेड ये है कि आप जितनी गिग्स बना सके अपनी सर्विसेज की अलग अलग गिग्स बनाए, एक्सेल की अलग बनाए, वर्ड की अलग बनाए, PowerPoint के अलग बनाए, और जितने गिग्स बना सकते हैं उतनी अलग अलग बनाए। एक्सेल में भी अगर आप फर्दर आगे जाएं तो फॉर्मूलाज की अलग बनाए, पिवट की अलग बनाए, और जो भी आपको डेटा एंट्री वगैरह की है वो उसकी अलग बनाए। तो इस तरह से आप अपने काम को जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा गिग्स इंक्लूड करते जाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फिर एनहेंस होता जाएगा। क्योंकि हर चीज के ऊपर एक स्पेसिफिक गिग बनाना जो है वो ये होता है कि आपने जो है वो ये आपका पोर्टफोलियो इस तरह से मेंटेन कर रहा होता है कि आप जो बायर होता है उसको पता चलता है कि आप इस चीज में प्रोफेशनल हो, न्यू नहीं हो, बिगिनर नहीं हो, और प्रोफेशनल हो, तभी आपने चीजों को कुछ स्पेसिफिक तरीके से अलग करके इंक्लूड किया हुआ है अपने अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाई हुई है, कैसे बनाई हुई है, इसने अपने ही काम को यहाँ पर डाला हुआ है, बजाय इसके कि उसने जो है वो कैनवा के थ्रू अपनी स्किल्स को यहाँ पर डाला हो। ठीक है, अब आप अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसने इतनी सारी डिस्क्रिप्शंस इंक्लूड की हुई हैं। और ये आ गया इसका पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के अंदर इसने क्या क्या डाला हुआ है, ये इसने यहाँ पर डाला हुआ है कोई फ्लायर जिसको ये ऑफर कर रहा है, जिसकी सर्विस ये ऑफर कर रहा है। यहाँ पे एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये इसका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जो कि इसने क्रिएट किया हुआ है, इसने किसी के लिए काम किया हुआ है। पोर्टफोलियो में तो इसने कुछ काफी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उसी में से ही कुछ जो इसने इसको अच्छे लगे प्रोजेक्ट्स वो इसने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए तो आप कुछ जो है वो बनाकर यहाँ पर डालेंगे। अब इसकी बिल्कुल भी ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप किसी भी सेलर का पकड़ें, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें और यहाँ पे डालें। आप अपना काम करना है, जितना यूनिक और स्पेसिफिक कर सके उतना करना है, क्योंकि अगर आप खुद को एज ए बायर कंसीडर करें ना कि आप एक बायर हैं और आपको जो है वो एक काम करवाना है फाइवर के ऊपर, आपने जो है वो किसी भी छोटी मोटी जॉब के लिए किसी को हायर करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप फाइवर ओपन करेंगे, आप जाके टॉप रैंकिंग सेलर्स को देखेंगे। अब वहां पर जो है, अब टॉप रैंकिंग सेलर्स की बात करें तो दो चीजें आ जाती है, ठीक है, एक तो आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप उनको अफोर्ड कर सकें, और दूसरा कि उनके पास बाकी भी प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि वो टॉप रैंकिंग सेलर्स हैं तो बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ भी काम कर रहे होंगे। आपको अगर अर्जेंट कराना है तो आपको टाइम लिमिटेशन आ जाएगी, ठीक है, फिर आपको उसको टाइम देना पड़ेगा कि ठीक है आप इतना टाइम ले लें या ये कर लें, क्योंकि आपको फिर उतनी जल्दी काम होके मिलेगा नहीं जितना कि आपको एवरेज सेलर दे सकता है, या फिर जो है वो लो लेवल का सेलर दे सकता है जो आपको जो है वो कम पैसे आपसे डिमांड कर रहा है। इस तरह से आपकी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी और आपको टाइम पे काम भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फिर आप देखते हैं कि भाई टॉप रैंकिंग के ऊपर मुझे क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन मुझे टाइम और कॉस्ट में फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एवरेज और लोअर पे मुझे क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और मुझे जो है वो टाइम और कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना। तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे सेलर्स के लिए आप बजाय ये कि आप जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन देखें कि उसने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डाला हुआ है और इमेजेस वगैरह क्या डाली हुई हैं, आप उसके काम पे ज़्यादा रिलाई करेंगे। अगर उसने अपना काम यहाँ पर लगाया हुआ है तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे कि इसने तो अपना काम लगाया हुआ है तो उसको आता ही होगा जो इसने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि पिक्चर्स लगाना, डिस्क्रिप्शन बनाना तो हर कोई कर लेता है, इमेजेस ऊपर लगाना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पोर्टफोलियो वही होता है जो आपका अपना काम होता है। तो अगर आप किसी का पोर्टफोलियो देखते हैं ना तो जो बायर होता है उसकी रिलायंस बढ़ जाती है उसके ऊपर कि अच्छा इस बंदे ने अपना काम करके यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसको आता है तो इसने लगाया, ये चीजें इसको आती हैं इसने खुद बना के लगाई, तो ये रिलायंस जो है वो उसकी बढ़ा देता है। उसकी ये होती है पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस और ये होता है पोर्टफोलियो। आपने अपना काम बनाना होता है और काम यहाँ पे लगाना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम आपने किसी के लिए किया हुआ है तो ज्यादा बेटर है, और अगर नहीं किया हुआ, बिगनर है, फर्स्ट टाइम, तो आप जो है वो अपना खुद सैंपल वर्क बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। जितना इफेक्टिवली और यूनिक बनाना चाहें उतना जो है वो आप बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एमएस वर्ड के अंदर पहली चीज होती है कवर पेज। कवर पेज इसने लगाया हुआ है, कवर पेज इसने एमएस वर्ड के थ्रू नहीं लगाया हुआ है, इसने पूरा कवर पेज कैनवा के थ्रू बनाकर एमएस वर्ड में लगाकर और बाकी जो है वो इसने नीचे डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसने कंपनी से लोगो ले लिया होगा, उस लोगो को जो है उसकी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है सारा, और बाकी सिंपल कवर पेज, सिंपल डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिक स्टाइल का उसने जो है वो यहाँ पर हेडर सेट, फोटो सेट कर दिया हुआ है हर पेज का, और ये इसने जो है वो यहाँ पर एक कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट उसको बना कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हैं कि कैनवा के थ्रू जाकर बनाएं कवर पेज, और बजाय इसके कि एमएस वर्ड के थ्रू बनाएं, ठीक है। और फिर जो है वो आप उसको एमएस वर्ड के अंदर कोई भी कवर पेज इंसर्ट करके उसकी बैकग्राउंड पिक्चर के तौर पर जो है वो लगा सकते हैं कवर पेज को, ठीक है। अब ये कैसे करता है हम कोर्स में देखते हैं कि जब हमने कवर पेज इंसर्ट कर रहे हो तो उस कवर पेज की पिक्चर कैसे लगाते हैं, उस पिक्चर को चेंज कैसे करते हैं और बैकग्राउंड पिक्चर कैसे लगाते हैं। तो कैनवा के थ्रू कोई भी आप इफेक्टिव सा कवर पेज क्रिएट करें, जैसे कि इसने कवर पेज क्रिएट किया और फिर आप उसको एमएस वर्ड के ऊपर आके एज अ बैकग्राउंड कवर पेज अपलोड कर देंगे तो वो आपके पास जो है वो उस तरह से आपका भी कवर पेज इफेक्टिव बन जाएगा। और फिर बाकी जो है वो कुछ भी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है नीट सा जिसमें बस एक लोगो है और बस एक उसने जो है वो फोटो को स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफिक फोटोज भी हम खुद सेट कर सकते हैं, हम फोटोज के अंदर शेप्स लगा सकते हैं, हम उसके अंदर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके फोन स्टाइल साइज अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इतना कुछ भी नहीं इसने किया हुआ, यानी कि ये आप लोग कर सकते हैं आराम से। लेकिन आप लोगों ने किसी का भी यहाँ से कोई भी स्टाइल, कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी, ताकि अगर कोई बायर देखता है तो उसको ये ना लगे कि उसने आपकी चीज कहीं देखी देखी लग रही है। जैसे उसको ये चीज फील होती है ना कि आपकी चीज उसने कहीं देखी देखी लग रही है, ऐसा उसको लगने लग जाता है कि आपने जो है वो फिर कहीं से चीजों को कॉपी पेस्ट किया है और आप न्यू है, तो वो फिर आप पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो जितना बढ़ाते जाएंगे उसकी रिलायंस आपके ऊपर उतनी बढ़ती जाएगी और चांसेस आपको जो है वो प्रोजेक्ट मिलेंगे उतने इंक्रीज होते जाएंगे। पोर्टफोलियो जो है ना यही चीज एक्चुअली कन्विंस करती है, ये चीज एक्चुअली कन्विंस करती है आपके बायर को कि वो आपको जो है वो प्रोजेक्ट हैंडओवर करे या ना करे। अब अगर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो इसने डॉक्यूमेंट डिजाइन किया हुआ है IQ एंड ग्लोबल के लिए, उसमें भी इसने ये किया हुआ है कि कवर पेज बनाया हुआ है कैनवा के थ्रू, और यहाँ पर इसने स्मार्ट आर्ट के थ्रू एक डायग्राम बना ली हुई है मॉड्यूल की। अच्छा, आप कलर्स आप देख सकते हैं कि इसने फॉर्मल कलर्स यूज किए हैं, बिजनेस कलर्स यूज किए हैं, इसने कॉम्बिनेशन कलर का जो है वो अच्छा किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर भी इसने कुछ यूनिक चीज नहीं की हुई, और बस यही है कि डॉक्यूमेंट नीट बनाया हुआ है, ये इसने डायग्राम लगा दी हुई है, ऊपर इसने कवर पेज लगा दिया हुआ है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है और यहाँ पे कंपनी का लोगो उसने उसी कंपनी से लेके लगा दिया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये बॉर्डर्स लगाए हुए हैं, एक टेबल बना दिया है सिंपल जिसमें प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस आ रहे हैं, 2 कॉलम्स का टेबल है ये, और हर हेडिंग के नीचे उसने जो है वो यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से इजीली आप अपने जो है वो एमएस वर्ड के ऊपर 2-3 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसने ज्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट किया, इसने 14, 15 पेजेस का यहाँ पर नहीं लगाया, इसने जस्ट 2-3 पेज, क्योंकि देखने वाले के लिए 1-2 पेजेस 2-3 पेजेस काफी होते हैं। और आपको पता है अगर आप भी खुद को एज ए आपने ना जो भी चीज पोर्टफोलियो के लिए देखनी है ना, खुद को एज ए बायर कंसीडर करके देखनी है कि अगर मैंने ये चीज करवानी होती या मैं बायर होता या होती तो मैं क्या डिमांड करती सेलर से, मैं क्या उसका चेक करती, ठीक है। तो जो जो चीजें आपको फिर एज अ बायर खुद को कंसीडर करके समझ आ रही होंगी ना, वही फिर आपने एज ए सेलर अपनी चीजों में इंक्लूड करनी है। और इस तरह से आप एमएस वर्ड के अंदर जो है वो 2-3 फाइल्स अपनी क्रिएट कर लेंगे और वो फिर अपने पोर्टफोलियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। कवर पेजेस आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं, बाकी सिंपल जैसे हम कोर्स में स्टडी करते हैं वैसे आपने जो है वो यहाँ पर अपना बाकी का होल डॉक्यूमेंट बना लेना है, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये मेरे पास एक स्टूडेंट की असाइनमेंट है जो अभी मैंने यहाँ पर ओपन किया। उसने यहाँ पर कवर पेज बनाया तो एमएस वर्ड के ही थ्रू है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक बनाया, यानी कि जो हम डेली यूज के लिए बनाते हैं, मतलब जो एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट आ रहे होते हैं, इंसर्ट टैब में ये कवर पेजेस आ रहे होते हैं, उसको उसने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लिया हुआ है। तो आप अगर चाहें तो उसको मजीद स्पेसिफिक कर सकते हैं, आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं, वो आपका कवर पेज बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उसने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाया तो उससे रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर लगा दिया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। अब आप देख सकते हैं कि इसने भी हेडर फुटर का कलर चेंज किया हुआ है, जिस तरह से अभी मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि हम कोर्स में देखते हैं। ये इसने स्मार्ट आर्ट लगाई है, जो कि उस पर्सन ने भी अभी हमने देखा था स्मार्ट। और यहाँ पे फोन स्टाइल, साइज और लाइन स्पेसिंग वगैरह जो है वो फिर रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग है। और इन पे रेफरेंसेज इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको जो जो भी काम आता है ना, आपको जो है वाटरमार्क लगाना आता है, आपको हेडर्स लगाने आते हैं, फोटोज लगाने आते हैं, जो भी चीज़ें आपको आती हैं इस आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करके वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ करके अपलोड कर दें, आप चाहें तो 2-3 डॉक्यूमेंट्स बना लें, ताकि जो है वो उसको आइडिया हो जाए, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट में आप जो है वो ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, दूसरा आपने बनाया जिसमें टेक्स्ट वाटरमार्क या पिक्चर वाटरमार्क्स वगैरह लगा दी हैं, पेज कलर्स लगा दिए हैं, ताकि वो चेंज कर, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आपको फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी बनाने आते हैं और आपको जो है वो कम्बिनेशन के साथ, फॉर्मेट कम्बिनेशन के साथ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने आते हैं। तो इस तरह के 2-3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्रिएट करके अपने पोर्टफोलियो में अपलोड कर सकते हैं, एमएस वर्ड के पोर्टफोलियो में। तो फिर पोर्टफोलियो जो है वो फिर आपके रिलायंस जो बायर की आपके ऊपर रिलायंस बढ़ा देता है आपके काम के ऊपर, कि फिर उसको जो है वो फिर आइडिया हो जाता है अगर ये नया है तो इस फील्ड में नया नहीं है, बल्कि फाइवर के ऊपर या इस तरह की वेबसाइट्स, फ्रीलांस वेबसाइट्स के ऊपर न्यू है। तो वो फिर आपको जो है वो फर्दर आपसे कांटेक्ट करके, आपसे डिटेल्स लेकर आपको प्रोजेक्ट हैंडओवर करके चला जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात आती है हमारे पास पावर पॉइंट। अच्छा, फर्दर ये भी आपने जो है ना वो यहाँ पर जो आप डिस्क्रिप्शन में चीजें डालते हैं ना, ये भी आपने जो है ना थोड़ी सी यूनिक करके डालनी होती है। जैसे कि अगर हम इसकी देखें तो यहाँ टॉप रैंकिंग सेलर्स में आ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई और ऐड हेडर्स फुटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसने सिंपल ये नहीं लिखा हुआ कि हेडर्स फुटर्स ऐड इंसर्ट वगैरह, इसके साथ में ये भी लिखा हुआ है मॉडिफाई। ठीक है, आप लिख सकते हैं कस्टमाइज हेडर्स एंड फुटर्स, इस तरह स्पेसिफिक हेडर्स एंड फुटर्स अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल वगैरह। आप चीज़ों को स्पेसिफिक करके इंक्लूड करें ताकि उसको पता चले कि ये प्रोफेशनल बंदा है, इसको आती हैं चीज़ें, बल्कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बाकी के सेलर से डिफ्रेंशिएट करेगी और उसकी जो बायर ही है उसके आपके ऊपर रिलायंस बढ़ा देगी, इससे ये बंदा जो है वो इसको काम आता है और इसने अपनी चीज़ों के अंदर ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ किया। जब आप प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे ना, ज़्यादा डिटेल में स्पेसिफिक थोड़ी सी इंक्लूड कर देंगे ना चीज़ें, तो उसको जो है वो इस बात पे यकीन आ जाएगा कि आप फील्ड में नहीं है, बल्कि आप इसके ऊपर न्यू है। इसके अलावा जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ये नहीं लिखा हुआ इंसर्ट कवर पेज, इसने लिखा हुआ है स्पेक्टेक्युलर कवर पेज। ठीक है, इसने हर चीज़ को थोड़ा सा यूनिक करके यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। आप क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी अगर वीडियोस देखें ना, तो ये लोग कहते हैं कि आप किसी भी टॉप रैंकिंग सेलर्स पर जाएं, वहाँ की चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दें। अगर आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं ना, खुद को एज ए बायर कंसीडर करें, तो आपको पता चल जाएगा कि किसने किसकी चीज़ें कॉपी पेस्ट की हुई हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि भाई अगर ये न्यू है, ये बिगिनर है और इसकी जो है वो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही, और फर्स्ट पेज पे अभी जो मैं पढ़ के आया हूँ उसकी चीज़ों में ये इंक्लूड थी, तो इसने उससे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। जब आप स्पेसिफिक करके इंक्लूड करेंगे ना, तो वो फिर आपके ऊपर रिलाई करेगा कि इसने अपनी चीज़ों को सब कुछ खुद ही बनाया हुआ, खुद ही पोर्टफोलियो बनाया हुआ, सब कुछ खुद ही किया हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंसर्ट डायनामिक टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब डायनामिक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर ना हर हेडिंग हाइपरलिंक होती है, हर हेडिंग के ऊपर आप ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डायनामिक टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलें या डायनामिक टेबल ऑफ कंटेंट बोलें, एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। इसने बस उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करके उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया हुआ है, दूसरों से उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो फिर आपका पोर्टफोलियो बनाती हैं, आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन बनाती हैं। अब अगर आप न्यू है ना, तो आपने क्या करना है कि आपको नहीं पता आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, तो आप फाइवर पे जाएं, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, देखें लोगों ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है। वैसे तो कोर्स में हम जो चीज़ पढ़े होते हैं ना, हर चीज़ वो आपको आइडिया दे देगी कि आपने कैसे चीज़ों को डालना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को जो है वो फिर भी इशू आता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे फाइवर पे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, देखेंगे कि लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, तो वो आप लोग जो है वो बना के डाल सकते हैं। अब जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को एक स्टूडेंट की असाइनमेंट बनाई है, दिखाई है, तो इस तरह से आप लोग जब अपनी असाइनमेंट्स बना रहे होंगे ना, कोर्स में हमारी 3 असाइनमेंट्स होती हैं, एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड। तो जब आप लोग अपनी असाइनमेंट्स बना रहे होंगे तो फिर आप जो जो चीज़ें हम क्लास की स्टडी करेंगे, असाइनमेंट में इंक्लूड करेंगे, वो भी आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। ठीक है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, आपका जो है वो एक पोर्टफोलियो मेंटेन हो रहा होगा, वही आप अपलोड कर सकते हैं फाइबर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर एज ए योर पोर्टफोलियो। अच्छा, अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं पावरपॉइंट। पावरपॉइंट से रिलेटेड जो है वो मेरे पास यहाँ पे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1020। यहाँ पर जो है वो ज्यादातर यूजर्स ने क्या किया हुआ है, कम्बो बनाया हुआ है। यहाँ पर एक्सेल भी, वर्ड भी, पावरपॉइंट भी, तीनों चीजों को इकट्ठा डाला हुआ है। आपने क्या करना है, हर चीज की कोशिश करें अलग अलग ही बनाएं, ताकि हर चीज की जो है वो स्पेसिफिक डिटेल्स ज्यादा इंक्लूड कर सकें। जब आप चीज को डिटेल से तो है वो बता दें कि अपने डिस्क्रिप्शन में, पोर्टफोलियो में भी जो इमेजेस और वीडियोस लगाते हैं उसमें भी, तो फिर उसको जो है वो ईजी हो जाएगा बायर को आपको जज करना और आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना। अच्छा, पावरपॉइंट के अंदर क्या होता है कि आप जब अपना पोर्टफोलियो अपलोड करें ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि वीडियो बना के अपलोड करना है। आप लोग जो भी अपनी एक नीड सी अच्छी सी प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, उसके ऊपर एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और अच्छा सा थीम यूज करें। ठीक है, और थीम अपलोड करने के बाद, इस तरह की चीजें करने के बाद जब आप उसको सेव करेंगे तो आप उसकी जो है वो वीडियो बना लें, क्योंकि आपको पता है कि जब फाइबर के ऊपर, जब आपको पता है कि फाइबर के ऊपर अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, इमेजेस जो ऊपर हमने लगानी होती है 3-4, तो उसके ऊपर अगर आप वीडियो अपलोड कर देते हैं तो फिर आपका जो रेट है वो 70% तक बढ़ जाता है कि आपको बायर जो है वो अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दे। ठीक है, तो और ये कितना अच्छा हो जाएगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, उसके ऊपर जो है वो वीडियो बना लें। इस तरह से अब मेरे पास जो है वो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक बनाई हुई है। हर कोर्स का ये हमारा शेड्यूल होता है जो मैंने बनाया हुआ है हर कोर्स का। ठीक है, तो जिस तरह से हर बैच का होता है, तो ये बैच 49 का शेड्यूल था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने ये प्रेजेंटेशन क्रिएट की हुई है एक थीम को यूज करके। अब अगर मैं इसकी जो है वो वीडियो रन करती हूँ तो ये है इसकी वीडियो। अब ये जो है वो विदाउट ऑडियो मैंने बनाई हुई है। आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनानी है ना, आपने जो है वो एक नीट सी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के इस तरह से उसके एनिमेशंस और ट्रांजिशंस लगा के आपने ऑडियो के साथ उसको रिकॉर्ड करनी है। तो ऑडियो चाहे तो आप जो है वो फिर गूगल से ले लें, अगर कोई आपने लेनी है तो, चाहे तो आप अपनी खुद की जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। जो जो चीजें आप इंक्लूड कर रहे हैं वो आप साथ साथ बोल रहे हैं और उसकी जो है वो फिर ऑडियो साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन की वीडियो कैसे बनानी है, उसकी ऑडियो कैसे लगाते हैं हम, और ये सारी जो है वो फिर हम कोर्स में डिस्कस करते हैं। अब ये मेरे पास एक स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन वर्क है जो उसने वीडियो बनाकर यहाँ पर सेंड की थी अपने असाइनमेंट के तौर पर। अब ये जो भी चीजें आ रही है ना, आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो जो चीजें आ रही हैं आप इसको जो है वो अपनी वॉइस के साथ इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उससे आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन बन जाएगी। अभी यहाँ प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स है, जैसे कि ये बैकग्राउंड की पिक्चर है तो ये ब्लर है। आपने कोई भी पिक्चर ब्लर नहीं लेनी होती, फिर चाहे आप उसको एज ए बैकग्राउंड इंसर्ट करें या फिर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में या प्रेजेंटेशन वगैरह में लगाएं, कोई भी पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर आप साथ साथ बोलते हुए ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो ये जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा कि उसको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हर चीज आती है, एनिमेशन, ट्रांजिशन, वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, रिकॉर्ड करना और उसको फिर अपलोड करना, सब कुछ आपको आता है। और पावरपॉइंट में क्या होता है, ये सब कुछ होता है, और थीम्स, एनिमेशन वगैरह, स्पेसिफिक डिजाइन वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ। ठीक है, तो आप जो है वो अपनी 1-2 प्रेजेंटेशन बनाकर अपलोड कर देंगे एज ए पोर्टफोलियो, वीडियो बनाकर आप जो है वो ऊपर वीडियो में अपलोड कर देंगे अपनी गिग्स में। तो ये बन जाएगा आपका पावरपॉइंट का एक इफेक्टिव सा पोर्टफोलियो। और कोई भी बायर आएगा तो उसको जो है वो आप खुद एज ए बायर कंसीडर करें कि अगर आपने पावरपॉइंट का काम करवाना हुआ और आपको जो है वो ग्रुप उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी गिग की, उसके अंदर आप उसकी सारी स्किल्स पढ़ लेंगे कि उसको पावरपॉइंट से रिलेटेड क्या क्या आता है। प्रैक्टिकली आप उसको जज कर लेंगे उसके पोर्टफोलियो के थ्रू, और जब आप उसकी वीडियो देखेंगे तो आपकी 100% रिलायंस उस पर क्रिएट हो जाएगी। आपको फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बिगनर है, फिर आप ये नहीं सोचेंगे उस फील्ड में बिगनर है, फिर आप ये सोचेंगे हो सकता है ये फाइवर के ऊपर बिगनर हो लेकिन ये फील्ड में बिगनर नहीं लग रहा, क्योंकि इसने अपनी चीजों को स्पेसिफिक वर्डिंग के साथ इंक्लूड किया हुआ है, थोड़ी प्रोफेशनल वर्डिंग के साथ, और इसने जो है वो फिर हर चीज तो डाल दी हुई है बीच में। तो फर्दर अब मैं क्या जज करूँ कि इस बंदे को क्या है, जाहिर है इसने अपने रेट्स इसलिए कम रखे हुए हैं क्योंकि ये न्यू है और ये फर्स्ट टॉप रैंकिंग पेज पर भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये न्यू है, लेकिन काम इसको आता है। तो फिर मुझे, क्योंकि टाइम भी मेरा सेव हो जाएगा, अब क्योंकि ये पहला बंदा, इसको प्रोजेक्ट नहीं मिला हुआ, तो जितनी जल्दी मैं इसे डिमांड करूंगी ये मुझे बनाकर देगा, जितनी रिविजन मैं इसे डिमांड करूंगी ये मुझे देगा। कॉस्ट सेविंग मुझे यहाँ से हो जाएगी, तो रिलायंस भी मेरी इस पर पूरी हो चुकी है क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये इसको काम आता है, तो फिर आप क्यों नहीं उसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एमएस एक्सेल की, कि हम एमएस एक्सेल का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब हम जो कोर्स में स्टडी करते हैं ना, उसमें आता है एमएस एक्सेल का पिवट चार्ट, उसमें आता है पिवट टेबल, उसमें आता है फॉर्मूला सारे, और मोस्टली जो मैक्सिमम हम फॉर्मूलाज कवर करते हैं, और एक्सेल की कुछ बाकी ऑप्शन होती हैं वो, ठीक है। तो इसका जो है वो, अगर आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर इसको आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, आप पिवट टेबल बनाने उसको अपलोड कर दें, ये आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। आप पिवट चार्ट लगाएंगे उसको अपलोड कर देंगे, आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। आप फॉर्मूलाज जो जो आपको आते हैं, एक लेंथी सी शीट लें जिसमें ज्यादा सा डेटा हो, उसके ऊपर आप जो है वो फॉर्मूलाज लगाएं, कुछ उसका फॉर्मेट अच्छा सा बना लें, वो आप अपलोड कर दे, तो ये आपका जो है वो फॉर्मूलाज का पोर्टफोलियो हो जाएगा। इस तरह के 3 पोर्टफोलियोज अगर आप अपलोड कर देते हैं तो इट्स अनफ, ये आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल ये भी किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल इसने लगाया हुआ है, साथ में इसने जो है वो स्लाइसर्स लगा दिए हैं, उसको पता चल जाएगा कि आपको जो है वो स्लाइसर और हर तरह के फिल्टर लगाने आते हैं। यहाँ पर जो है उसने टाइमलाइन लगा दी हुई है, ये पिवट टेबल का जो है वो एक स्पेसिफिक सा फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया हुआ है पिवट चार्ट के अंदर। अच्छा, अब इन्हीं चीजों की आप पिक्चर लगा के जो है वो वहां पर अपने जो ऊपर पिक्चर्स आ रही होती हैं, वीडियोस आ रही होती हैं, उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी का स्क्रीनशॉट लें, वहां पर अपलोड कर दें अपने काम का, ठीक है, बजाय इसके कि आप जाएं कैनवा पर बनाएं, लेकिन एक बना लें। ये नहीं कि आप जो 3-4 पिक्चर्स हैं वही आपने जो है वो इस चीज अपनी स्किल्स की बनाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सब कुछ डाल देते हैं, बस डुप्लीकेशन ना किया करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दिया, एनफ। अब आप जो भी पिक्चर्स अपलोड करेंगे, जो वीडियोस आप अपलोड करेंगे, आपने जो है वो कोशिश करना है आप अपने काम की ज्यादा, क्योंकि आपने उसको अपना काम दिखाना है, काम ही रिलायंस बढ़ाएगा, काम ही आपको प्रोजेक्ट दिलाएगा। तो आपने जो है वो फिर अपने काम ही की पिक्चर्स बुला के जो है वो पर अपलोड करते हैं। ज्यादा अगर काम कर रहे हैं ना, अगर स्टार्टिंग में है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने वो पर्सन देखा था एमएस वर्ड के अंदर, उसने क्या किया था कि ऊपर जो हम पिक्चर देकर आए थे ना, वो उसी चीजों की थी जो उसने नीचे पोर्टफोलियो में लगाई हुई थी। ज्यादातर जो है ना उसने उसी के जो है स्क्रीनशॉट्स लेकर तो ऊपर लगाए हुए थे। आगे बढ़ते जाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस और मेहनत करते जाएंगे, तो आप ऊपर जो है वो इमेजेस में अलग चीजें डाल दें, नीचे पोर्टफोलियो में अलग चीजें डाल दें। स्टार्टिंग में है और अपना अकाउंट जो है वो आपने फिल करना है, तो फिर उसके लिए क्या करें कि जो आप पोर्टफोलियो बनाते जाएंगे उसी का स्क्रीनशॉट लेकर ऊपर लगाते जाएं। एक आप कैनवा की जो है कैनवा के थ्रू कोई इमेज बना के लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो है वो थोड़ी सा उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, और लिखने के बजाय आप उसमें लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट का लोगो लगा दें, एमएस ऑफिस के लोगोज लगा दें, ठीक है, और आइकन्स उनके लगा दें, और अपनी मेन स्किल्स जो है वो उसके बता दें। डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन में बतानी है, ऊपर नहीं बतानी। तो ये चीजें जो है वो फिर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पिवट चार्ट है, ये पिवट चार्ट का हो गया पोर्टफोलियो इस तरह से। ये डेटा है मेरे पास, और ये डेटा जो है इसके 1050+ रोज हैं, 7 इसके कॉलम्स हैं, ये क्लास डेटा है, इसी के ऊपर पिवट टेबल स्टडी करता है पिवट चार्ट। तो पिवट टेबल और चार्ट जो है ना वो एक लार्ज डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है, तो इससे उसने जो है वो यहाँ पर इसी डेटा के ऊपर, ये आप लोग की असाइनमेंट होती है, असाइनमेंट नंबर 3, तो ये जो है वो उसने असाइनमेंट बना के यहाँ पे सेंड की हुई है। अब अगर हम जाते हैं फाइवर के ऊपर, और फाइवर पे जाके मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ एक्सेल। मेरे पास जो है 5000 तक रिजल्ट्स आ गए हैं MS एक्सेल से रिलेटेड। अच्छा वैसे ये MS और माइक्रोसॉफ्ट का भी बहुत हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखकर सर्च करूँ तो देखें यहाँ पर 34000 तक मुझे रिजल्ट्स मिल गए हैं। जब मैंने MS एक्सेल लिखकर सर्च किया था तो 5000 थे, माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो यहाँ पर इतने जो है रिजल्ट्स मिल गए मुझे। तो अब आप जब अपनी अब इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी किक बनाए ना तो आपने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ज़्यादा यूज़ करना है। आप एक जगह पे MS एक्सेल का यूज़ कर लें ताकि अगर कोई MS एक्सेल से रिलेटेड सर्च करता है तब भी आपकी गिग आ जाए, अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखकर सर्च करता है तब भी आपकी उसके सामने आ जाए। एक्सपर्ट का वर्ड यूज़ कर लें, फास्ट वगैरह इस तरह के ना कीवर्ड्स यूज़ करके आप सर्च करके यूज़ कर सकते हैं इसमें फर्दर। अब मैंने ओपन किया, हम नीचे आएंगे ना इसमें, तो यहाँ पर जो है वो टॉप रैंकिंग सेलर्स आ रहे हैं। आप इनके आइडिया तो ले सकते हैं लेकिन किसी से भी कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। मैंने डिटेल से बता दी है कि उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि इस पर्सन ने, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब आप लोग अपना ये बना रहे हो ना, अच्छा मैंने इस चीज़ों को इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि ये भी पोर्टफोलियो में ही आ गया। पोर्टफोलियो होता है ना आपका काम, तो नीचे जाकर पोर्टफोलियो अपलोड करने के बजाय यहाँ पर भी तो आप अपना काम ही अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को साथ ही डिस्कस किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप एक आधी बना लें इमेज कैनवा के थ्रू, उसके अंदर आपकी आ रही होंगी स्किल्स, उसके अंदर आप लोगों वगैरह लगा सकते हैं। अब इसने क्या किया, आपने स्किल तो बता दी है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिटेल से, उसने ऊपर स्किल्स नहीं बताई, उसने ऊपर जो है वो ये चीजें डाल दी हैं, बस उसने एक पिक्चर लगा दी है और यहाँ पर उसने अपना काम डाला है। जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादा इफेक्टिव वे यही है कि आप अपना काम डालें यहाँ पर, बजाय कि आप कैनवा के थ्रू इमेजेस अपनी सर्विसेज के बना के यहाँ पर डालते जाएं। अब ये इसने यहाँ पर वीडियो लगाई हुई है, इसको वॉच करते हैं और फिर देखते हैं कि इसने इस वीडियो में क्या दिखाया हुआ है। तकरीबन 4 मिनट की वीडियो है। अच्छा अब यहाँ तक आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि इसको मतलब इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश तो इसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये आप लोग एज ए बायर आप लोग क्या सोचेंगे, भाई मुझे क्या करना है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसकी इंग्लिश का, मुझे ये समझ आ गई है कि उसको काम आता है। ठीक है, उसने वीडियो के अंदर अपना काम ही दिखाया हुआ कि मैंने मुश्किल फॉर्मूला लगाया हुआ, कंबाइन करके लगाया हुआ, मुझे काम आता है। तो यही चीज जो है वो फिर आपकी रिलायंस की, आप पर रिलायंस क्रिएट कर दिया बायर की कि आपको जो है वो ये काम आता है। उसने बस अपनी वीडियो बनाकर एक टफ फॉर्मूला लगाकर कंबाइन करके एडवांस MS एक्सेल का है उसने यहाँ पर बनाकर अपलोड कर दिया, जिसके तो आप जो भी देखेगा उसको जो है वो इस पर रिलायंस बढ़ जाएगी उसकी। और यहाँ पर जो है वो उसने डिटेल के अंदर अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हुई है जो भी उसको आता है। ठीक है, एडवांस MS एक्सेल फॉर्मूला, VLOOKUP, इंडेक्स, मैथ, समझ, ये सारे हम कोर्स के अंदर स्टडी करते हैं। अलग से उसने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया हुआ, लेकिन उसने अपना जितना भी काम है वह यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, पोर्टफोलियो आप बनाना चाहे तो उस तरह से, जिस तरह से अभी हमने MS वर्ड का एक सेलर देखा था उस तरह से बना सकते हैं। उस तरह से भी बनाएं, इस तरह से भी लगाएं, ठीक है, यहाँ पर भी लगा दें अपना काम। और आप चाहे तो इस तरह के अपने कोई भी फॉर्मूला के ऊपर वीडियो बना के लगा दें। और अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाह रहे तो आपको जो भी काम आता है उसके आप यहाँ पर बनाकर उसको लगा सकते हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस वीडियो को देखूँ तो अभी हमें कुछ इसमें शॉर्ट, अब ये देख लें यहाँ पर इसको जो है वो 793 प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। अब जो भी इसकी वीडियो को देखेगा, इसकी चीज़ों को देखेगा, उसको इतनी समझ आ जाएगी कि इसको काम आता है और वो भी ठीक आता है, ठीक है। तो बायर ने जो है वो बस यही जज करना होता है कि जो काम उसने आपसे करवाना है वो आपको आता है या नहीं आता। आपकी बाकी जो भी स्किल्स होती हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको बस जो काम उसने कराना होता है उसी के लिए उसने पे करना होता है और उसी से रिलेटेड उसने आपको जज करना होता है। अब हमने देखा ना कुछ एमएस ऑफिस की टेम्पलेट्स थी, कुछ मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं लेकिन आपने कॉपी नहीं। अब आपको जो है वो एमएस ऑफिस की पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स कहाँ से मिलनी है? गूगल पे आके आप सर्च करेंगे ना एमएस ऑफिस पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगे। तो आपको इस तरह की टेम्पलेट्स ऊपर मोस्टली पेड होंगी, जो अच्छी होंगी वो पेड होंगी, लेकिन आपको क्या है कि आपने कहीं से पेड मतलब कि अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो आपको पे करके डाउनलोड करना होगा, $1 या $2 यहाँ ऑनवर्ड्स आपको इस तरह से जो है वो पे करके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका उससे कोई मकसद नहीं, आपने बस आइडिया लेना है, वो आप देख के भी ले सकते हैं। काम वगैरह तो हम सारा कोर्स में भी सीख लेते हैं, आपने जस्ट वहाँ से आइडिया लेना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेजेस जो है वो बहुत ज्यादा है, टॉप पर से टॉप फर्स्ट पेज पे टॉप रैंकिंग आ रही होगी। इमेजेस के थ्रू भी आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से फिर आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप लोग को जो है वो कवर पेज का आइडिया मिल जाएगा। कवर पेज का आइडिया वो जो पर्सन ने एमएस वर्ड वाले ने बनाकर जो है वो कैनवा के थ्रू बनाकर अपलोड किया हुआ था, तो वो आपको यहाँ से उसका आइडिया मिल जाएगा। इस तरह से आप कवर पेज बना सकते हैं और वो कवर पेज फिर आप एमएस वर्ड के कवर पेज के तौर पे कैसे लगा सकते हैं, कैनवा के थ्रू बनाएंगे और वहां पर अपलोड करेंगे। अच्छा, अब इस वेबसाइट में जो है वो लेफ्ट साइड पे हम देखें तो यहाँ पर जो है वो चीजें आ रही हैं, कवर पेज के भी आ रहा है, मतलब जिस फिल्टर लगा हुआ है ना, जिस चीज पे आप टिक करते जाएंगे वो चीजें फिर यहाँ पर इंक्लूड होती जाएगी, जिसको अनटिक कर देंगे वो एक्सक्लूड हो जाएगी। अब ये कवर पेज आ रहे हैं, इन कवर पेजेस से जो है वो फिर आप आइडिया ले सकते हैं। और मेन चीज क्या होती है कि आप जो है वो गूगल के ऊपर आगे जो सर्च करते हैं तो इमेजेस वगैरह पे जो चीज होती है वो इंक्लूड ना करें, क्योंकि जो बायर होता है ना उनको इन चीजों का पता होता है। और जो टॉप रैंकिंग सेलर्स होते हैं उनकी चीजों से आइडिया जरूर ले लें उससे, लेकिन उसको जो है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें कि आप उसमें से कुछ वर्डिंग्स जो है वो कट करके या ओवरएड करके अपने गिग में ऐड कर दें। आप क्या करें, वो चीजें डालें जिस तरह से आप ऐड हेडर फुटर है तो आप डालें, लेकिन उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके देखिए। आप जो है वो डाल सकते हैं ऐड हेडर्स फुटर्स, ब्यूटीफुल हेडर्स फुटर्स, कस्टमाइज हेडर्स फुटर्स ऑफ योर चॉइस, या इस तरह की चीजें डाल के आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो वर्क होगा, जो आपकी चीजें होंगी वो बाकी जो सेलर्स होंगे उससे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, उससे थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक रिज्यूम टेम्पलेट ओपन किया, यहाँ पर इसको डाउनलोड करने की ऑप्शन आ रही है। डाउनवर्ड पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अच्छे होते हैं वो पेड होते हैं, तो यहाँ पर इसकी प्राइस आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज जो थी वो यहाँ से आइडिया लेकर कैनवा के ऊपर बनाना था, कवर पेज को, और वहाँ पे अपलोड करना था। और बाकी आप एमएस वर्ड का तो देख सकते हैं कि जो चीजें उसने डाली हुई थी वो सारी आपको आती है इंक्लूड करना। तो आप अपनी चीजों को उसी तरह से बनाएं, थोड़ा सा फॉर्मल बनाएं, उसको जो है वो स्पेसिफिक करें, जिस तरह से हेडर्स के अंदर शेप्स ऐड वगैरह करते हैं, जैसे आपकी चीजें जो है वो फॉर्मल और स्पेसिफिक हो जाए, तो आप जो है वो उसको एज ए पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से आके जो है वो फिर बाकी चीजें भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखे सर्च किया एमएस ऑफिस पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स। आप जो है वो स्पेसिफिक करके सर्च कर सकते हैं, एमएस एक्सेल पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स, एमएस वर्ड पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स, इस तरह से। अभी आपके पास जो है वो स्प्रेडशीट के पोर्टफोलियो के टेम्पलेट्स के आइडियाज आ गए कि आप लोग जो है वो किस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की स्प्रेडशीट्स बनाकर वहां पर, इस तरह के पोर्टफोलियो बनाकर वहां पर डाले जाए कि आप लोग जो है वो कैनवा के थ्रू सिंपल पिक्चर्स लगा रहे हो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लगाना आता है तो या तो उस पर्सन की तरह उस फॉर्मूला को लगाते हुए की वीडियो अपलोड कर दें, या आप क्या करेंगे उस फॉर्मूला को लगा के जैसे कि वो समझा रहा था उसकी वीडियो अपलोड कर दें, या फिर क्या करेंगे उस फॉर्मूला को लगा के F2 की की प्रेस करके वो फॉर्मूला पर हो जाएगा, तो आप जो है वो उसकी पिक्चर वहां पर पोस्ट कर सकते हैं कि फॉर्मूला में लगाया हुआ है, इस तरीके से लगाया हुआ है, ताकि देखने वाले को समझ आए कि आपने उस पर क्या किया हुआ है। तो ये एमएस एक्सेल की पोर्टफोलियो की टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पिक्चर्स वगैरह। ठीक है, ज्यादा सूटेबल क्या है कि आप लोग जो है वो अपना काम इंक्लूड करें वहां पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप लोग की प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ती जाएगी, आप लोग जो है वो अपने अकाउंट को ज्यादा इनहेंस करते जाएंगे, उसमें चीजें इंक्लूड करते जाएंगे, तो डे बाय डे आप जो है वो ज्यादा चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर रहे होंगे। जो भी आप अपना प्रैक्टिस वर्क करते जाएंगे आपकी स्किल्स एनहेंस होती जाएगी, वो फिर आप प्रैक्टिस वर्क फिर आप वहाँ पर साथ साथ अपलोड करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप रोज रोज फाइवर का अकाउंट ओपन करते हैं, उसके ऊपर एक्टिव रहते हैं कुछ देर, और क्या उसके ऊपर चीजें अपलोड वगैरह करते रहते हैं ना, तो फाइवर खुद ही आपकी वेबसाइट होती है उसको टॉप रैंकिंग के अंदर शो करना शुरू कर देता है। जरूरी नहीं है कि जिसको प्रोजेक्ट मिल रहा हो उसी के वहां पर आ रही हो, मतलब अगर फर्स्ट पे दी तो सेकेंड थर्ड इस तरह के पेजेस पर फिर आपका जो है वो आने लग जाता है अकाउंट। अब यहाँ पर जो है मुझे एमएस पावरपॉइंट की पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स मिल गए। एमएस पावरपॉइंट के अंदर क्या होता है, हम स्लाइड्स बना रहे होते हैं, स्लाइड्स के ऊपर जो हमने फर्स्ट स्लाइड बनानी होती है वो टाइटल स्लाइड होती है। तो जिस तरह से अभी हमने एमएस वर्ड के अंदर किया है ना, कि एमएस वर्ड के अंदर देखा कि कैनवा के थ्रू बनाए एक अच्छा सा कवर पेज, उसको एमएस वर्ड के अंदर लगा दे बजाय कि एमएस वर्ड के थ्रू कवर पेज बनाए। तो इस तरह से आप लोग पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं कि कैनवा के थ्रू बनाए एक अच्छी सी पिक्चर और वहां पर उसको अपलोड कर दे पावर पॉइंट में एज ए और टाइटल स्लाइड। और फिर कोर्स के अंदर इस तरह की वेबसाइट्स भी डिस्कस करते हैं जिसमें आपको अपने टॉपिक से, अपने फील्ड से रिलेटेड जो है वो स्पेसिफिक टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसमें डिजाइन्स इस तरह के होते हैं कि वो आपकी फील्ड से रिलेट कर रहे होते हैं, जिसमें स्टाइल्स इस तरह के होते हैं कि वो आपकी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फील्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इस तरह के जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी जो टाइटल स्लाइड होती है फर्स्ट वाली उसके अंदर। यानी आपने इस तरह की चीजें चूज करनी है जो कि फॉर्मल हो। ठीक है, आपने मतलब यहाँ पर ज्यादातर चीजें तो फॉर्मल है, लेकिन कुछ कुछ जो है ना वो फिर बस आप लोग जो भी चीजें अपलोड करें ना वहाँ पर इस बात को कंसीडर करके अपलोड करें कि अगर आप बायर होते हैं आपको वो पसंद आती या नहीं आती। अगर आप बायर होते तो फिर आप जो है वो सेलर से क्या डिमांड करते हैं। और ये सोच के भी जो जो भी चीज आप वहाँ पर इंक्लूड करते जाएंगे वो आपका आपको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने जो है वो आपकी सीवी नहीं देखी हुई, उसने आपका एक्सपीरियंस लेटर कोई नहीं देखा हुआ, उसको ये नहीं पता आप जॉब करते हैं। अगर जॉब करते भी रहे हैं तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो काम से रिलेट ही ना करता हो जो उसने आपसे करवाना हो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जो भी आपका काम होता है ना बस वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, फिर चाहे आपके पास जो है वो आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं या नहीं किए हुए। ये डिपेंड करता है कि जिसने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अगर आप प्रैक्टिस करते करते उससे भी ज्यादा अच्छा अपना सैंपल वर्क अपलोड करना शुरू कर देते हैं, पोर्टफोलियो आपका उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो आपकी तरफ ही फिर जो है वो सारे बायर्स शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा आपने जो अपने पोर्टफोलियो जब भी आप लोग अपना बनाए तो उसके अंदर आपने अपनी सारी वैरायटीज ऑफ वर्क शो करनी है, जितना भी आपको काम आता है सब कुछ डालें। जिस तरह से अगर एमएस वर्ड की एग्जांपल लें तो आपको जो है वो हेडर्स लगाने आते हैं, फुटर्स लगाने आते हैं, साइटेशंस, कैप्शन, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स जो है वो आप पिक्चर्स के स्टाइल सेट कर लेते हैं, उसको कस्टमाइज कर लेते हैं जिस तरह के हम कोर्स में देखते हैं। ठीक है, और एंड नोट्स और फुट नोट्स लगा लेते हैं, वाटर मार्क, पेज कलर्स, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स लगा लेते हैं। इस तरह की चीजें जो भी आप करते जाएंगे ना, या फिर आप जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं हेडर्स फुटर्स को, ऐसे हेडर्स फुटर्स लगाएं जो एमएस वर्ड में ना आ रहे हो। ठीक है, ताकि उसको पता चले कि आपने जो है वो आपका काम आता है और आपने जो है वो चीजों को स्पेसिफिक करके इंक्लूड किया है, तो जो भी वो आपसे कस्टमाइज स्पेसिफाइड डिमांड कर रहा होगा आप उसको फिलफिल करके उसका काम करके उसको दे देंगे विद इन टाइम। तो ये चीजें जो है वो फिर आपको स्पेसिफिक कर देंगी। जो जो चीजें आती हैं वो आपने जो है वो अपने पोर्टफोलियो में डालनी है, आपने अपनी इमेजेस में डालनी है, आपने जो कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो उसमें इंक्लूड करनी। इसी तरह से आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड जो भी काम आता है, जैसे मैंने बताया एनिमेशन, ट्रांजेक्शन, ऑडियो, वीडियो वगैरह लगाना जो है वो पावर पॉइंट का मेन काम होता है। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन अगर किसी ने बनानी होती है तो या तो उसमें जो प्रेजेंटेशन होती है उसको उसमें वीडियो भी चाहिए, ऑडियो भी चाहिए होती है। वो ऑडियो अगर आपको रिकॉर्ड करके दे देगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, या तो आप वो जो है वो फिर आपसे एनिमेशन, ट्रांजेक्शन की और वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। ये वीडियो है मेरी, ये भी उसमें लगाओ, ये पिक्चर है ये भी लगाओ, ये कॉन्टेंट है ये लगाओ, ये मेरा जो है वो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, मेरी कंपनी ये है और इस तरह का जो है वो मेरी चीजें होनी चाहिए। तो ये ही सब हो सकता है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में। जब आप इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाकर अपलोड करेंगे तो उसका कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, जो आपसे जो है वो करेगा या फिर कुछ सोचेगा कि आपको ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करे या ना करे। इसी तरह से अगर हम एक्सेल की बात कर ले तो एक्सेल के ऊपर आपको जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं उसको जो है वो आप एक अच्छे वे के अंदर उसका पोर्टफोलियो बनाकर वहां पर अपलोड करें। जैसे कि अगर VLOOKUP की बात करते हैं तो आप एक लार्ज डेटा ले लें, उसके ऊपर आप जो है वो एक लंबी सी लिस्ट बनाएं जिसमें आपने VLOOKUP को ड्रैग करके जो है वो उसको नीचे कॉपी पेस्ट किया हो। एक ही दफा फॉर्मूला लगा के कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो एक सेल के अंदर आप फॉर्मूला को जो है वो ओपन करके बता दें जिससे पता चल रहा हो कि आपको जो है वो इसका यहाँ पर काम आता है। VLOOKUP का फॉर्मूला अच्छे से लगाना आता है और इसी तरह से आप बाकी फॉर्मूलाज के लिए भी कर सकते हैं। और पिवट टेबल और पिवट चार्ट भी जो है वो फिर आप इसी तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मैंने आप लोग को एक एग्जांपल सैंपल दिखाया था असाइनमेंट का, तो इसी तरह से आप लोग अपना काम भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं एज योर पोर्टफोलियो। अच्छा, वैसे फाइवर वगैरह पर अपलोड करके आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि फाइवर पर अपना पोर्टफोलियो अपलोड करें, अपवर्क पर अपलोड करें। दूसरा क्या काम क्या आप कर सकते हैं कि अपने जो भी आपने बनाया है ना, जो भी आपका सैम्पल वर्क है उसके लिंक्स बना लें। लिंक बनाने के बाद एक लिंक बनाएं और जो भी अब आपके पास जो है वो आपने बना लिया अपना सैम्पल वर्क, एक आपने गूगल पर अपलोड कर दिया है। लिंक कैसे बनाते हैं हम लेक्चर में कवर करते हैं। लिंक्स वगैरह किस तरह से बनाने हैं ये भी हम जो है वो कोर्स के अंदर स्टडी करते हैं कि आपने किसी भी कोई भी आपने चीज बनाई है, एमएस एक्सेल के ऊपर कोई भी आपने फाइल बनाई है, एमएस वर्ड के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, पावरपॉइंट के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनाई, तो उसको गूगल पे कैसे अपलोड करता है, उसका लिंक कैसे बनाता है, उस लिंक को आगे शेयर कैसे करता है। तो आपने कोई भी चीज बनाई है, आपने पोर्टफोलियो इंक्लूड किया, आपने उसका लिंक बनाया और लिंक बनाने के बाद जो है वो आप उसको अपलोड कर देते हैं, मतलब सैम्पल वर्क को गूगल पे अपलोड करके उसका लिंक बना के जिसको भी आपने शेयर करना है उसको शेयर कर दिया। अब एक ही दफा आपने जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाकर जहां भी इंक्लूड करना था कर दिया, आपने एक उसका पोर्टफोलियो गूगल पे अपलोड करके उसका एक लिंक बना दिया, जिसको भी देना जस्ट उसको वो लिंक कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया और आपका पूरा पोर्टफोलियो उसके पास चला जाएगा। तो ये आपका जो है वो एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा कि लोग ऐसा नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि यहाँ तो डायरेक्ट अपनी फाइल्स वगैरह भेजे होते हैं, यहाँ तो वो जो है वो पोर्टफोलियो में अपलोड करे होते हैं। तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपने जो है वो उसको लिंक जनरेट करके वो सेंड किया है और पोर्टफोलियो वगैरह तो आपने डाले ही हुए हैं, और ये आपका फिर एक एक्स्ट्रा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि एक्सेल का काम करके आपने उसका लिंक बना के भेजा हुआ है, पावरपॉइंट का काम करके आपने उसका लिंक बना के भेजा हुआ है। तो उसको जो है वो ये आइडिया हो जाएगा कि उसको सारा काम आता है, अगर मुझे इससे अपने काम का लिंक बनाकर लिंक भी बनवाना हुआ तो वो भी मैं इससे करवा सकता हूँ। और फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि फाइवर अपवर्क वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है वहां से आप देखें कि जो भी चीजें, अगर आपको जो है वो ये डाउट होता है ना कि मैंने जो जो चीजें इंक्लूड करनी थी पोर्टफोलियो में कर ली हैं या नहीं, तो फिर आप फाइवर पे जाएं, वो डिस्क्रिप्शन अभी हमने विजिट्स किए हैं लोगों की, वहां पर जाएं, वहां पर जाके आपको देखिए कि जो जो स्किल्स आपको आती हैं और आपने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना भूल गए हैं तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लें। तो इस तरह से जो है वो फिर आपका पोर्टफोलियो मेंटेन होता रहेगा। MS वर्ड की जो गेक बनाएंगे उससे रिलेटेड वहां पर अपलोड करें, MS पावरपॉइंट की बनाएंगे उससे रिलेटेड वहां पर अपलोड करें। इस तरह से आप जो है वो 3 गिग्स बना लें, एक गिग बनाएं जिसमें तीनों चीजें आ रही हैं, ठीक है, एक्सेल भी आ रहा हो, पावरपॉइंट भी आ रहा हो, वर्ड भी आ रहा हो, 4 गिग्स बना लें इस तरह की। तो वो फिर आप लोग अपने पोर्टफोलियोज उसके ऊपर अकॉर्डिंगली अपलोड करते जाए, और पिक्चर्स और इमेजेस वगैरह भी आप लोग अपनी इमेजेस वीडियोज वो डालनी है जिसमें आपका काम आ रहा हो, ठीक है, बजाय कि आपने कोई गूगल से उठा के तो वो इंक्लूड की हुई है। तो ये बहुत बेस्ट वे होगा कि जो बायर होगा उसके आपके काम पे रिलायंस बढ़ाने के लिए, आप पर रिलायंस बनाने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके चला जाए। ये आपको मैंने सारी टिप्स यहाँ पर बता दी हैं कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो के वो आपके क्लाइंट्स को कैसे ग्रैब करें। होप फॉर द बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।